हाय फ्रेंड्स, आज हम एडोब एनिमेट में कैरेक्टर को किस तरह से डेवलप करते हैं और बोन टूल का यूज़ हम कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो एक सर्कल लेकर के एक्चुअली इस तरह से यहाँ से इसकी सेटिंग हम लोग चेंज करेंगे, वो इसको सभी जगह टेन टेन करेंगे ताकि हमें इस तरह से राउंड शेप बनाना है। अब ध्यान रहे कि जब भी हम लोग, जैसे भी ये नेक वाला पार्ट है तो सबको हम ग्राफिक सिंबल हाथ के साथ बनाते जाएंगे। इसका सेंटर पॉइंट रखेंगे। अब टोर्सो वाला पार्ट है, इस तरह से पूरी बॉडी का एक 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 पार्ट हम लोग बनाते जाएंगे और उसको सिंबल में कन्वर्ट करते जाएंगे। ये सारा का सारा मैं बनाते आप लोग दिखाऊँ तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, तो मैं थोड़ी देर रुक करके इसको मैं थोड़ा सा स्पीडी कर दूंगा इसको, और फाइनल कैरेक्टर आपको दिखा दूंगा। बस इतना ध्यान रखना है कि इसका हर एक एक पार्ट को हमें सिंबल में कन्वर्ट करना है, वो भी ग्राफिक सिंबल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ग्राफिक और मूवी क्लिप दो टाइप के सिंबल होते हैं, तो इसको हमें कैरेक्टर को जनरली कैरेक्टर हम करें तो ग्राफिक में ही करें। तो ये इसे लेक का भी हम ऐसे ही बनाएंगे हम लोग। सबके नाम आप अलग अलग दे सकते हैं, और जैसे राइट लेग है तो आप राइट अपर लेग लिख सकते हैं, और राइट का ही यदि लोअर लेग है तो उसको राइट लोअर लेग लिख करके हम इसको नेमिंग कर सकते हैं। नेमिंग बहुत ज़रूरी है। अब ये लोअर लेग है, इस तरह से ये लेग हो गया। तो ऐसे ही सेम लेग दूसरा होगा, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। देखिए इसकी जैसे लेफ्ट लेग है ना, तो इसके भी नेमिंग हमें अलग अलग सारी के सारी इसकी नेमिंग करना पड़ेगी। तो ये इस तरह से ये हमारा पूरा कैरेक्टर तैयार है, और सबके अब इसमें ये है कि अब सबके आप देखोगे कि इसमें सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट ये शो हो रहा है। तो ये पॉइंट को अभी हम लोग सेट करेंगे, सारे पॉइंट को, इसको हम पाइवट पॉइंट बोलते हैं। ये पॉइंट पॉइंट इसका मतलब ये है कि हमारा मोमेंट वहीं से होगा जहाँ पर हम पॉइंट सेट कर रहे हैं। तो वैसे बहुत आसान है, इस तरह से सारे पॉइंट पॉइंट होने के बाद अभी हम लोग इस तरह से सेट करेंगे, और हम जाएंगे बोन टूल पर। बोन टूल से हम लोग सेंटर से स्टार्ट करेंगे और सारे पाइवट पॉइंट को हम मैच करेंगे। ये पाइवट पॉइंट को ही पकड़ता है एक्चुअली। यहाँ से हैंड की तरफ भी प्रॉपर्टीज में इसकी कुछ सेटिंग होती है। उस सेटिंग को भी हम लोग देखेंगे
अभी मैंने इसकी 35 तक ये फ्रेम ले लिया और इसका मैं मोमेंट देखूंगा। एक छोटा सा एक डांस टाइप हम लोग कुछ इसमें मूवमेंट करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। इस तरह से एक छोटा सा मोमेंट हम लोग कर सकते हैं ये। और अभी जैसे 1 से 15 है तो इसके बीच पे भी हम लोग एक इसका एक एक्शन कुछ अलग टाइप का एक्शन डाल के देखते हैं। यहाँ से इस प्रॉपर्टी से इसके कंस्ट्रेंट को हम लोग चूँकि ये ऊपर जा नहीं रहा था तो इसका राइट ऑफसेट में मैंने इसको 0 कर दिया ताकि ये 360 एंगल में रोटेट हो सके। यहाँ से भी सेम ऐसे ही कर दूँगा मैं ताकि ऊपर आराम से जा सके। थोड़ा सा इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं इसको ट्रांसफॉर्म टूल से। बस इसकी पाइवेट पॉइंट नहीं हिलना चाहिए, वो है उसी जगह ज़रूरी है। इस तरह से देखिए ये कुछ फनी टाइप एक्शन इसका हो गया है लेकिन ठीक लग रहा है। अब जो फर्स्ट वाला जो एक्शन है इसको हम 15 के बाद लेने की कोशिश करेंगे। सोच रहा हूँ मैं इस वाले एक्शन को यहाँ लेकर लेकर देखते हैं तो वो क्या होता है फर्स्ट वाला एक्शन को मैच कर जाएगा पूरा एनिमेशन हमारा। तो बोन टूल वैसे है काफ़ी इजी, बस एक कैरेक्टर बनाते समय ये प्रॉपर तरीके से होना चाहिए कैरेक्टर आपका, सारे के सारे सिंबल प्रॉपर, उसका सेंटर पॉइंट, उसका पाइवट पॉइंट और तो अच्छे से मैच हो तो काम करने काफ़ी आसान होती है। इसी कैरेक्टर का हम लोग मैं कोशिश करूंगा कि इसमें ग्राफिक में एनिमेशन कैसे करते हैं, इसकी वॉक साइकिल और प्रोग्रेसिव वॉक दो टाइप की वॉक होती हैं, वो दोनों भी वॉक हम लोग इसी में देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे प्रोग्रेसिव वॉक मतलब जो हम लोग आगे की तरफ करते हैं और साइकिल मतलब जो अपनी ही जगह पर उसकी मूवमेंट होती है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे।